रूस में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के उद्घाटन में दुनिया के कई नेताओं का जुटान हुआ। इन सबके बीच केंद्र में मोदी, जिनपिंग और पुतिन रहे। कहा जा रहा है कि अमेरिका और पश्चिम देशों के वर्चस्व को कम करने के लिए पुतिन ने जिनपिंग और मोदी को एक मंच पर लाया है। ऐसी संभावना है कि पीएम मोदी जिनपिंग के साथ मुलाकात कर सकते हैं। ब्रिक्स में रूस के अलावा ईरान, भारत, चीन और यूएई जैसे अहम देश शामिल हैं। ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक गठबंधन है, जिसके बारे में रूस उम्मीद कर रहा है कि ये पश्चिम की दुनिया पर आधिपत्य को चुनौती देगा। इन सबके बीच ब्रिक्स एक अहम संगठन बनता जा रहा है। दुनिया के कई देश अब इस गठबंधन का हिस्सा होना चाहते हैं। ऐसा ही एक देश है तुर्की। तुर्की और रूस के रिश्तों में उतार चढ़ाव वाला हिसाब रहा है। 1940 के दशक की शुरुआत में तुर्की खुद को अमेरिका के सहयोगी के तौर पर स्थापित करते हुए नाटो में शामिल हुआ था। नाटो शीत युद्ध के दौरान सोवियत हमले के खिलाफ यूरोप की रक्षा के लिए बना एक सैन्य गुट था। ऐसे में रूस से तुर्की की नजदीकी नहीं हो सकी, लेकिन बीते कुछ सालों में तुर्की और रूस के रिश्ते बदले। साल 2003 में सत्ता में आने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने नए दोस्त बनाने पर ध्यान दिया। तुर्की ब्रिक्स में भी शामिल होने की कोशिश में है, जिसे पश्चिम का मुकाबला करने वाला ग्रुप कहा जाता रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय संघ में शामिल होने की अपनी दशकों पुरानी कोशिश के बावजूद तुर्की को कुछ खास हासिल नहीं हुआ और न ही उसका उतना विकास हुआ। इसलिए तुर्की ने औपचारिक रूप से ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। एर्दोगन के इस कदम का मकसद तुर्की के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाना और पारंपरिक पश्चिमी सहयोगियों से इतर नए संबंध बनाना है। एर्दोगन के प्रशासन के अधिकारियों को लगता है कि ब्रिक्स में शामिल होने से रूस और चीन के साथ तुर्की के आर्थिक संबंधों में सुधार हो सकता है। इसलिए एर्दोगन रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। एर्दोगन ने पश्चिमी सरकारों पर 2013 में अरब स्प्रिंग विद्रोह के मद्देनजर तुर्की में सरकार विद्रोही प्रदर्शनों का समर्थन करने का आरोप लगाया था। इसके बाद चीजें खराब होती चली गई। कहते हैं अक्टूबर 2015 में अमेरिका और फिर जर्मनी ने तुर्की से हवाई सुरक्षा वापस ले ली। इससे भी तुर्की को एक नए साथी और नए संगठन की जरूरत महसूस हुई। साल 2016 में अमेरिका स्थित एक मौलवी के अनुयायियों द्वारा उनकी सरकार को गिराने के असफल प्रयास के बाद एर्दोगन की पश्चिम विद्रोही बयानबाजी तेज हो गई। इस साल तुर्की के यूरोपीय संघ में शामिल होने पर बातचीत रुक गई। एक साल बाद तुर्की ने रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 खरीदी। इस सौदे के बाद अमेरिका ने तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान खरीदने से रोक दिया। इजराइल युद्ध के कारण भी तुर्की अमेरिका से दूर होता चला गया। हाल के दिनों में तुर्की ने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में दर्जनों राजनयिक मिशन खोले हैं। एर्दोगन विश्व मामलों में एक प्रमुख भूमिका चाहते हैं। ऐसे में वो तुर्की को शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने वाला पहला नाटो सदस्य बनाने की कोशिश में। तुर्की और रूस के बीच बीते कुछ दिनों में कुछ अहम समझौते भी हुए। रूस ने पिछले साल तुर्की के प्राकृतिक गैस आयात का 42% हिस्सा हासिल किया। इसके अलावा तुर्की तीसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए चीन के साथ बातचीत कर रहा है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 Digital।